आज हम एबीपी लोगों का एनर्जाइज करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले शेड से तीन चाबी या लॉबी से तीन चाबी लेके निकलेंगे, एक अपनी पहले बीएल की IE38 एवं A9 हैंडल। उसके बाद SB2 पैनल पे जाएंगे और MCB 112.1 और 110 को ऑन करेंगे। ड्राइविंग कैब में आके A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में लगाकर नॉब को ऊपर उठा के रन पोजीशन पे रखेंगे। उसके बाद बीएल की को ऑफ से डी पे रखेंगे। ऑफ से डी पे रखने से पैनल सी पर लगा स्क्रीन तथा SPM स्क्रीन ऑन हो जाएगा। LSDK की बत्ती भी जलेंगी। बैटरी वोल्ट मीटर UVA पर 110 वोल्ट सप्लाई दिखाई देगा। यदि प्रेशर कम है तो CP अपने आप चार्ज शुरू हो जाएगा। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज वेट का मैसेज आएगा। इसके बाद 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्टिंग के दौरान सभी संकेतक बत्तियां जलेंगी तथा बुझेंगी। TEB मीटर ऊपर नीचे होकर जीरो पर आ जाएगा एवं फ्लैशर लाइट जलकर बुझ जाएंगी। टेस्टिंग के बाद स्क्रीन पर नोट क्रमांक 504 आएगा। अब ZPT स्विच को नीचे दबाकर छोड़ देंगे। यदि प्रेशर कम है तो CP अपने आप शुरू हो जाएगा और प्रेशर बनने के बाद पिछला पेंटो अपने आप ऊपर उठेगा तथा यू मीटर में OAT वोल्टेज बताएगा। इसके बाद स्क्रीन पर 550 का नोड आएगा। अब DJ क्लोज करने के लिए LDJ को नीचे दबाकर छोड़ देंगे। पहले DJ की बत्ती बुझ जाएंगी। सभी ऑक्सिलरी अपने आप शुरू हो जाएंगे। BLCP को ऑटो में होना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर FLG 570 लोड आएगा। मार प्रेशर 6.4 केजी सेंटीमीटर से ज्यादा बनने के बाद ही रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स में ऑपरेट करेंगे। 6.4 के पहले हमने फॉरवर्ड या रिवर्स में किए तो Priority 1 का फॉल्ट आ जाएगा। इसके पश्चात लोको ब्रेक SA9 के द्वारा लगना सुनिश्चित करेंगे। तो प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे। जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगी। PP गेज में 6 केजी का प्रेशर दर्शाएगा और DPFP की जली हुई बत्ती बुझ जाएगी। DP 5 केजी प्रेशर होना सुनिश्चित करेंगे। BP प्रेशर 5 केजी आने पर थ्रॉटल को ऑपरेट किया तो Priority 1 का फॉल्ट आ जाएगा, इसलिए थ्रॉटल को टी की तरफ ऑपरेट करेंगे। स्क्रीन पर FLG नोट 590 ऑपरेट करेंगे। थ्रॉटल को टी की तरफ ऑपरेट करें तो स्क्रीन पर 596 नोड आने के बाद टी की तरफ रीड करेगा। इसके बाद लोगों में
पावर टेस्ट, उसके बाद लोको ब्रेक पावर टेस्ट करेंगे। गाड़ी हमारा चलने के लिए तैयार है।